ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एचएस रावत का प्यार वाला नमस्कार। दर्शकों, ज्योतिषी के कार्यक्रम में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि महादशा किस प्रकार से काम करती है, अंतरदशा किस प्रकार से काम करती है, प्रत्यंतर दशा किस प्रकार से काम करती है। ये बिंसूत्री महादशा पांच प्रकार से काम करती है, लेकिन ज्यादातर वैल्यू तीन ही महादशाओं की होती है, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। और इसमें भी ज्यादा दो प्रोमिनेंट होती है, महादशा और अंतरदशा। प्रत्यंतर दशा दो दो तीन तीन महीने के लिए होती है, और हर लग्न में हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव होता है, क्योंकि एक जैसा एनवायरमेंट, एक जैसी सोच और एक जैसे विचार कभी जिंदगी में किसी के होते ही नहीं हैं। कन्या लग्न वाले अपनी कुंडली खोल के बैठे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कन्या लग्न में सूर्य की महादशा, सूर्य इस लग्न में अच्छा फल नहीं देता, सूर्य इस लग्न में बुरा फल देता है, सूर्य लग्न इस लग्न में खर्चा देता है, यह वासना सुख को खत्म करता है, यह पति सुख और पत्नी सुख को खत्म करता है, अलगाववादी है और बुरे भाव का स्वामी है, इसके अंदर डबल पाप प्रभाव आता है। एक तो स्वयं अलगाववादी और बारहवें भाव का स्वामी होने के कारण और डबल पाप प्रभाव आ जाता है इसके अंदर। इसलिए जहां भी सूर्य बैठेगा तबाही करेगा। सूर्य किसी का अगर विवाह स्थान पर बैठा हो तो यह तबाही कर देगा। इस लग्न के अंदर सूर्य की महादशा और शुक्र की अंतरदशा आ जाए। अब शुक्र देखिए, यहां पर भाग्य का स्वामी है और धन का स्वामी है, दो अच्छे भावों का स्वामी है, लेकिन दूसरा भाव मारक भी होता है। और सूर्य यहां बारहवें भाव का स्वामी है, एक दूसरे की बनती नहीं है इनकी। अब शुक्र अगर नीच होकर के लग्न में बैठा हो किसी का, तो भाग्य का विनाश और धन का भी विनाश, और साथ में सूर्य भी यहीं बैठा हो तो और विनाश। जिंदगी में बीमारी बनी रहेगी आपको, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, आपको रतौंधी की शिकायत होगी, कलर ब्लाइंड हो जाएंगे आप, आपको दिन छिपने के बाद देखना बंद हो जाएगा। अपनी कुंडली देख लो आप, जिनके सूर्य बुध और शुक्र लग्न में ही बैठे हों, या यहां पर शुक्र और सूर्य भी बैठे हों और कन्या ही लग्न हो, वो व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो जाएगा, उसकी आंखों में तकलीफ होगी ही होगी। लेकिन हम बोलेंगे तुम्हारी आंखों में तकलीफ है, कहता है वो तो आजकल कॉमन फैक्टर है, कंप्यूटर पर लोग बैठते हैं, टीवी देखते हैं, सबकी आंखें खराब हो जाती हैं। हमारी आंखें तो खराब नहीं हुई, सुबह से शाम तक 12-15 घंटे 20 घंटे कंप्यूटर पर होता हूं और फिर यहां कंप्यूटर पर प्रेडिक्शन करता हूं और बताता भी हूं मेरी आंखें क्यों नहीं खराब हुई। आंखें तो खराब उसी की होंगी कि जिसकी कुंडली में योग होगा। और कितने लोग ऐसे हैं जो 80 वर्ष तक चश्मा नहीं लगाते, 100 वर्ष तक भी चश्मा नहीं लगाते, कटाकट पड़ते हैं। आपका शुक्र स्वराशि में बैठा है, साथ में सूर्य यहां बैठा हुआ है। धन आपको शुक्र देने की कोशिश करेगा, लेकिन सूर्य उस धन का नुकसान करेगा। विचित्र स्थिति यहां पर बनेगी, क्योंकि एक नीच है और एक यहां पर अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए इस स्थिति में आपको हीरा पहनना चाहिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपका शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, मेहनत करके भाग्य उदय करने की आप कोशिश करेंगे और सूर्य उस खर्चे को करवाता रहेगा। जितनी भी आप मेहनत करेंगे सूर्य की महादशा में और शुक्र की अंतरदशा में, उस मेहनत के रिजल्ट आपको 50% मिलेंगे। आपका शुक्र अगर चौथे भाव में बैठा हुआ है, चौथा भाव मन का होता है, साथ में यहां बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है, तो आपका मन डामाडोल बना रहेगा। कभी आपका वासना में, कभी लग्जरियसता में, कभी ध्यान में, कभी पूजा में, इस तरह की मनोस्थिति आपकी बनी रहेगी यहां पर। लेकिन भाग्योदय आपका होगा, सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को, सूर्य के खर्च वाले प्रभाव को यहां पर शुक्र रोकने की कोशिश करेगा। आपका पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो सुंदर है, धन भी आएगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, भाग्य भी उदय होगा। जो सूर्य आपके लिए बुरा करना चाहता है, सूर्य यहां बुरा नहीं करना पाए सूर्य यहां पर बुरा जो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए आप एक ओपल पहन सकते हैं और साथ में आप यहां अमेरिकन डायमंड या डायमंड भी पहन सकते हैं। आपका शुक्र अगर छठे भाव में बैठा हुआ है तो यहां दरिद्र योग बन जाएगा, पैसा नहीं बचेगा। सूर्य खर्च कराएगा और शुक्र भी खर्च कराएगा, इस समय आपकी जो स्थिति रहेगी वो बहुत खराब रहेगी। आपका शुक्र उच्च होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो आपका विवाह के बाद भाग्य उदय हो जाएगा, पत्नी सुंदर मिलेगी, सुशील मिलेगी, धन भी आएगा। आपका सूर्य खर्च कराता रहेगा, पत्नी के माध्यम से पैसा आता रहेगा आपके पास में। इसलिए आप हीरा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, डायमंड जर्कन अमेरिकन डायमंड भी यहां पर पहन सकते हैं। आपका शुक्र मेष राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जितना पैसा चाहिए उतना ही आपके पास बचेगा, बाकी सूर्य की महादशा में वो खर्च होता रहेगा, क्योंकि यहां
भाग्य का स्वामी खड्डे में पड़ा हुआ अष्टम भाव में और धन का स्वामी भी पड़ा हुआ है, लेकिन धन भाव को देखने वाला ग्रह धन की कमी नहीं छोड़ता, पैसा आता रहेगा, सूर्य खर्च करवाता रहेगा, पैसा और ज्यादा आ जाए तो सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहे, हमेशा सूर्य की पूजा करते रहे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में सूर्य कर्म भाव पर बैठा हुआ है, शुक्र कर्म भाव पर बैठा हुआ है, अच्छा है, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अच्छे अफसर हो सकते हैं, आप IAS हो सकते हैं, आप SDM हो सकते हैं, आप फिल्मों के अंदर भी जा सकते हैं, होटल उद्योग में भी जा सकते हैं, चित्रकारिता, फोटोग्राफी, TV एंकरिंग में भी जा सकते हैं और कामयाबी आपको मिलेगी। सूर्य की महादशा में यहां पर शुक्र की अंतरदशा में आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपका शुक्र लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, विदेशों से लाभ आपको आएगा, विदेशों में आपका भाग्योदय हो जाएगा, जबरदस्त सफलता आपको मिलने के योग बनेंगे। और आपका शुक्र अगर खर्च के घर में बैठा हुआ है बारम भाव में तो यह वक्त आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक खर्च भाव के स्वामी की दशा चल रही है और दूसरा खर्च के घर में बैठा है, इसका मतलब कहीं से पैसा आया और कहीं चला गया, पता ही नहीं चलेगा पैसा कहां से आया और कहां चला गया, और वो व्यसनों में भी जा सकता है, बुराइयों में भी जा सकता है। दर्शकों, यह था सूर्य की महादशा और कन्या लगन में शुक्र की अंतरदशा का फल। आप भी जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो पूजा पाठ के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी, कोई भी एक लॉकेट लेने पर डॉक्टर HS रावत जी से आप एक जन्म पत्री फ्री दिखा सकते हैं या 3100 की जन्म पत्री फ्री बनवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रूपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रूपए VPP DD मनी ऑर्डर या हमारे ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0378050023021 या SBI अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रूपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090 9811006314, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 0112563857, मोबाइल नंबर 9212860909 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर